अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 111, 111। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे, एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें हम फेसेस और 3D सॉलिड कमांड्स वगैरह को यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज के लेसन में हम ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे जो कि इजी ऑब्जेक्ट है, और पहले हम थोड़े से सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट भी बनाने, तो आप यहाँ पर देखें तो आपको ये देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हम ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं हैंड है। और इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हम इंशाल्लाह ड्रॉ करना सीखेंगे। ये हो गया, ये हो गया। तो ये काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे, जो कि थोड़े डिफिकल्ट हैं। और आज के लेसन की तरफ आते हैं। मैं क्लोज करता हूँ, यस, नई ड्राइंग ली। और यहाँ पे अब इस ऑब्जेक्ट की इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसमें ये इजी सा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें आई थिंक 1.5 एंड 2.0, और नीचे की जो इसकी हाइट दी हुई है वो है। अब देखिए, इन ऑब्जेक्ट्स में सही डायमेंशंस भी नहीं दी हुई होती कि बंदा सही तरह से काम कर सके। तो देखते हैं, 3.0 आई थिंक, एल इंटर, F8 प्रेस करता हूँ, 3.0 एंटर। और आई रे 2, एल इंटर, तो हाइट आ गई और 1.5, वन पॉइंट फाइव एंटर। और इसको यहाँ से सिर्फ अटैच कर दिया, जोड़ दिया, और यहाँ से है जी 1.0, एल एंटर, 1.0। ओके, इसको आपस में जोड़ देते हैं एल इंटर करके। ओके, जो तो सर्कल ड्रॉ किया हुआ है वो यहाँ पे 1, इस कॉर्नर से एल इंटर करता हूँ, एक, सी एंटर, ओके। और अब मैं इसको 3D में मूव करूंगा, तो इजी इजी टेक्निक्स हैं आपको 3D में मूव करने के भी। तो इसको मैं सबसे पहले एक्सट्रूड करता हूँ, ई एक्स टी एंटर, सारी सारी को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, सॉरी एक्सट्रूड नहीं, बी यू एंटर करता हूँ, बी यू एंटर, पिक पॉइंट, ओके। और अब इसको यहाँ से 3D व्यू में लेके जाता हूँ। अब ये देखें, ये सामने इस तरह हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसको जो है तो रोटेट करने के लिए आर ओ एंटर सेलेक्ट करता हूँ, इसको स्पेस प्रेस करता हूँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 90 डिग्री में इसको रोटेट कर देता हूँ, रोटेट 3D, सॉरी आर ओ, रोटेट 3D, और सिलेक्ट किया स्पेस, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 90, ओके।
और अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ या फिर प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, और मैं इसको प्रेस पुल कितना करता हूँ जी, यहाँ पे दिया हुआ शायद, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो इसको मैं कर देता हूँ जी 2। ओके, और ये जो सर्कल है, अब सर्कल का समझ नहीं आ रही, सर्कल हमारे पास अरेज किया हुआ है कि नहीं, तो हम इसको रिमूव करते हैं सर्कल को। तो उसके लिए मैं ये वाला जो एरिया, इसको होल बना देता हूँ, तो यहाँ से इसको प्रेस पुल कमांड ली और खींची यहाँ तक ले आता हूँ, तो ये हमारे पास एक होल बन गया। और यहाँ से अब इसको रियल इलास्टिक पर लेके जाएं, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। ओके, तो ये था जी आपका एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया। और इसके साथ अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कॉम्प्लिकेटेड से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे। ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, कटर है ये, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट है, और एक ये है, ये वाला ऑब्जेक्ट है आप देख रहे हैं, ये हम कर चुके हैं। और ये भी कर चुके हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्ट इंशाल्लाह हम ड्रॉ करने सीखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ओके, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और एक नया मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।